आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा हुआ है। दरअसल आजकल प्रदेश भर में एक ऐसा माहौल बना हुआ, प्रदेश भर मतलब कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर कोई भी सुरक्षित होता दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो तिवारी जी हों या नौशाद हों या कोई और सब जाति धर्म से ऊपर उठ कर भी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है क्योंकि देश में न्यायालय हैं और उनसे उम्मीद रखनी चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए न्यायालय से न्याय मिलने की, और हमें संविधान पर चलना चाहिए। आज हम जो वाकया लेकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है, जहां पर न्यायालय ने 5 दरोगा और 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। दरअसल मामला ये था कि खुर्जा एक जगह है बुलंदशहर में, खुर्जा के का एक मोहल्ला है, मोहल्ला बुर्ज उस्मान निवासी, वहाँ पर साबिर रहते हैं। साबिर ने बताया कि 8 सितंबर 2018 को दोपहर में खुर्जा नगर पुलिस ने 5 दरोगाओं और करीब 20 पुलिस कर्मियों समेत वो उनके भतीजे मुस्तकीम के घर में घुस गए। वहाँ पर उन्होंने सर्च किया चीज़ों को और वहाँ पर 84,000 रुपये कब्रिस्तान के चंदे के रखे हुए थे उनको भी लेकर के चले गए। ये है उस्मान का, वो उस्मान की तरफ का जो पक्ष है वो ये है। दूसरा पक्ष था पुलिस का, पुलिस ने कहा था कि युवक को पीले बम्बई एक जगह है उसके निकट एक मुठभेड़ में पकड़ा गया, उसके साथ एक बाइक, कुछ पिस्टल और करीब 700 ग्राम नशीला पदार्थ पाया गया था। लेकिन इस पे जो है घर वाले नहीं माने और घर वालों ने जो है न्यायालय में गुहार लगा दी अपने बच्चे को बचाने के लिए। पता ये चला कि पुलिस वाले शायद इस बात से वाकिफ नहीं थे, लेकिन CCTV लगा हुआ था घर के बाहर। उस CCTV फुटेज में 8 सितंबर 2018 का वो फुटेज भी आ गया जब पुलिस वालों ने उनके घर में घुस करके सर्च किया, उनके चंदे के पैसे ले गए और उस्मान के जो भतीजे थे मुस्तकीम उसको उठा करके ले गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने उसे पीले बम्बे के पास मुठभेड़ से उड़ा है, जबकि घर वालों ने वो फुटेज प्रोड्यूस किया है कि 8 सितंबर 2018 का ये फुटेज है जिसमें उनके घर पे पुलिस आई, उस्मान को उठाया और वहाँ से उस्मान को कह रहे मुस्तकीम को, उस्मान के जो भतीजे हैं मुस्तकीम को उठाया और वहाँ से पुलिस उनको ले गई और उसके बाद दिखाया कि हमने इन्हें मुठभेड़ से पकड़ा है। ACJM कोर्ट जो है बुलंदशहर के, उन्होंने इसमें आदेश दे दिया है कि जो 12 पुलिसकर्मी साथ में थे और जो 5 दरोगा थे उन सभी लोगों पर डकैती का मुकदमा चलाया जाए। डकैती का मुकदमा तो ठीक है कि पुलिस के लिए हो गया है ये एक सज़ा के तौर पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुस्तकीम को घर से उठाया गया, पुलिस ने कहा कि हमने उसको जो है वो मुठभेड़ से उठाया है, मुठभेड़ में पकड़ा है, उस पर पिस्टल पकड़ी गई और 700 ग्राम नशीला पदार्थ भी पकड़ा गया, लेकिन CCTV फुटेज कहता है कि उसको घर से उठाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पिस्टल, ये 700 ग्राम जो है नशीला पदार्थ, वो बाइक जो पुलिस ने दिखाई है कि वो मुस्तकीम से बरामद हुई, वो बाइक, वो नशीला पदार्थ, वो अब पिस्टल कहाँ से आए? क्योंकि मुस्तकीम को तो घर से उठाया गया है, अगर फुटेज साफ साफ है, ACJM कोर्ट ने भी मान लिया है कि उसको घर से उठाया गया है, पुलिस ने कट पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है कि वो 700 ग्राम नशीला पदार्थ कहाँ से आया? जब मुस्तकीम के पास नहीं था तो पुलिस ने उसको कहाँ से दिखा दिया कि ये नशीला पदार्थ मुस्तकीम के पास था, लेकिन मुस्तकीम तो घर से अरेस्ट हुआ है, और वो पिस्टल कहाँ से आई? क्या इस पे एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन चीज़ों को लेकर के, कि अगर किसी युवक से ये सब चीज़ें बरामद नहीं हुई हैं और पुलिस उनको दिखा रही है कि मुठभेड़ में ये बरामद हुई हैं और कोर्ट मान लेता है इस चीज़ को कि मुस्तकीम को घर से उठाया गया है, तो फिर सवाल इस चीज़ पे उठता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, ये पिस्टल, ये नशीला पदार्थ, ये कहाँ से आई? ये हमें नहीं मालूम ये कहाँ से आए, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप जो हैं दर्शक हैं और देश को देख रहे हैं। तो सवाल उठता है पुलिस के रवैये पर, पुलिस की कार्यशैली पर, कि क्या कर रही है पुलिस, क्या किसी एक समुदाय विशेष को एनकाउंटर के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए सवाल उठता है। और दूसरा सवाल कि ये सामान जो नशीला पदार्थ और पिस्टल से, ये पुलिस के पास आते कहाँ से हैं अगर मुठभेड़ में जवान नहीं पकड़े जाते हैं? इन दोनों पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर जाकर के कमेंट करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। हमारे पर्सनल जो हमारा फेसबुक पेज है शहजाद आलम बर्नी का, और ट्विटर पे शहजाद बर्नी को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।